आज झज्जर में अमरवीर राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र की तरफ से राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम रविंदर कुमार रहे और विशेष मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद के चेयरमैन जिले सिंह सैनी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी कवियों ने अपने द्वारा लिखी गई कविताओं से सभी श्रोताओं का मन मोह लिया और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। कार्यक्रम में दूर दूर से कवियों ने शिरकत की, जैसे कवि सत्यवान सत्य, मनमोहन दरवेश, दुजाना, त्रिलोक फतेहपुरी, दलवीर फूल, सतवीर खोरड़ा, खेमचंद सहगल, रमन शर्मा, अशोक कुमार डोरिया व अन्य कई सभी साथी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के बाद श्रोताओं ने कहा, इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे कि बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र अमरवीर का सभी ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। रचना गुलिया की खास रिपोर्ट। मत बनाओ पहाड़ राय, मुझे एक शेर याद आता है किसी का, कि जहाँ भी होगा रोशनी लुटाएगा, जहाँ भी होगा रोशनी लुटाएगा, चराग का कोई अपना मकान नहीं होता। तो जो चराग होते हैं, ये हमारे साहित्य का चराग है, दीपक है, और ये कामना है कि है ऐसे ही इसकी लोग साहित्य के लोग निरंतर बढ़ती रहे। सम्मानित अतिथियों के सम्मान में एक दोहा समर्पित करता हूँ। दिल से स्वागत
पथ पर गर्मी में, सर्दी में, धूप में, छाए में अपने देश की रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ गद्दार, मनमोहन सिंह जी बता के गए थे, कुछ गद्दार ये देश ऐसे भी है कैसे कि गैरों से बचाने की खातिर हम अपना खून बहाते हैं, गैरों से बचाने की खातिर हम अपना खून बहाते हैं, सीने में दर्द हो उठता है जब अपने आगे लगाते हैं, जिस थाली में खाया जिसने आज उसी में छेद किया, धिक्कार है उन गद्दारों को कुछ सिक्कों में बिक जाते हैं, कुछ सिक्कों में। एक छोटी सी रचना बस आवश्यकता है, चिंगारी लगाने की। अब मैं आमंत्रित करना चाहते हैं अपने ऐसे कवि को जिनके अनेकों पुस्तकें आ चुकी हैं, कई सम्मानों से गौरवान्वित हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू तक गए हैं, हरियाणा का नाम रोशन किया है और बहुत ही शानदार लगते हैं। दक्षिण हरियाणा से आते हैं तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। वो कहते हैं हारे छंद में उनकी पकड़ है, कुंडलिया बहुत शानदार लिखती है, हास्य भी कई पुत्र के अंदर बहुत है। तंबाकू पर वो एक कुंडली थी बड़ी अच्छी लगी कि तंबाकू प्रयोग से थके बदन का दोष, तंबाकू प्रयोग से घटे बदन का दोष, नशा की कोटि का चले हो जाए मन होश, हो जाए मन होश दबाए खीमी खनी हमारे उसके बाद में बात करके Bye.